मेरा हक भी यही पड़ता है। मैं अपनी तरफों हुसैनिया का नुमाइंदा होने नाते अपने तमाम साथियों की तरफों बहुत शुक्र गुजार है। कमीना हों चौड़ा सीना चौड़ा मैं बुलाई असील हाँ सैयद दादा मां इस वास्ते मिट जाना पहले दिन ज्यादा जमीन के नाल लग जाना और शुक्र गुजार हाँ कि तुसी अपनी इस जबान तो नवासे रसूल के आयाम हर किस्म का दाम में दिल में सद में सुख में हर किस्म का तावन जरा नदी देने तैयार क्यों ना होंगे दर असी यह जरा निजाम लैके चलने या दहानी का किसी शख्स के खिलाफ नहीं है किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं किसी सियासी पार्टी के किसी बरादरी के किसी जात के किसी ग्रुप के किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं। जो ये प्रोग्राम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतजार है ये जुल्म के खिलाफ है और हुसैन सब जुल्म के खिलाफ है और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना हर बंदे ने शामिल एक और जुल्म के खिलाफ पूरा आवाज बुलंद करना बड़ा आलम का साथी ही साथी ही दुनिया जाएगा। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद बुलंद करना से उस आवाजे बुलंद करना से कुछ आगोश हो गए कुछ आजादियां हो गया अपना लैके मुताबिक करते हैं उनके असी सारे ही शामिल हाँ अपने अपने अंदाज लमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर कोई शामिल हों किसी के लाइके साथ ग्राम अंदाज अपना ये तशीर अपने अंदाज ही चल रहे होंगे दूसरे जिले में और दूसरी मेरा सलाम ने सलाम अकीदत भी थोड़े सारे वास्ते अच्छ कुछ शुभदा के जिक्र इकट्ठे हो गए डार साहब के लिए खूबसूरत निशानदेही कर रही थी। मैं पिछले साल असी पैदल शाह साहब सन पिंबर रोड के उत्ते शादी हाल साइड के उत्ते उन्होंने शुभदा का जो प्रोग्राम किया खुदा शायद एक पहली मरतबा मैं किसी पुलिस वाले की जो भी खाऊ तो गौर ना देख और गौर ना देख के मैं लिखा कि असी तो 14 अगस्त वाले पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर मुश्किल अपने मोहल्ले के उत्ते पाकिस्तान की आज़ादी का झंडा जो शहजाद की तैनात जो किसी ने तकलीर करना है कि इस्लामाबाद तकसीम करना है कि बाले कट्टर फरमंद है कि शहीद का जिससे पहला खतरा है खून जमीन से भी पैदा नहीं बुलंद तरीन दर्जे के फायदे उससे बुलंद तरीन दर्जे मगर शहीद शहीद का पाक पाकिदा ताहिर मुताहिर खून जड़ा है जो कौम की जिंदगी का बाइस उन्होंने हयात का बायस बनते हैं उन्होंने जिंदा करते हैं उन्होंने सलामत करते हैं साड़ी सिक्योरिटी वास्ते दिन रात उन्हें बैठे सिक्योरिटी इंचार्ज जी ने बरात से मैं उन्होंने कह रहा सब जैसे ईद कर रहे सर तो किसी अदालत के जो ईद इलेक्शन कर रहे इलेक्शन मौका है तो बाद लोग ऐसे भी ने कि जिन्हें 10 दिन के बीच शायद कोई 10 मिनट भी उन्होंने आराम वास्ते नहीं मिलते सरकार तो साडा रवैया उन्होंने अगर करप्ट हो गया या शिकवे वाला हो गया तो फिर मेरी कमी और खामी शुक्रगुजार आ रहा सी इन्होंने भी और इस शहर के अंदर शहदा की तादाद बहुत ज़्यादा जी उस प्रोग्राम में मैंने अटेंड किया बड़े नाम बड़ शहदा ने ऐसे भी ने रहने वाले गुजरात के सब मगर उन्होंने शहादत लाहौर दूसरी जगह दूसरी जगह में जाकर मेरी नसीब हुई सारे के ऊपर शहीद के दरजात पहले से बुलंद मजीद बुलंद फरमा पहले शहादत से इमाम मजबूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुलिस के उन्होंने तमाम शौकदार जी दर्जात पहले भी बुलंद ने मजीद बुलंद के दर्जात Thank you.
स्टाफ की जगह ड्यूटी नहीं आई सकी थी। तो मैंने बड़ी खुशी हुई है कि सारे लोग माशाल्लाह बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े दूजे तावन करने वाले और एक दूजे के मोटे ना मोटा ला के चलने वाले हो। तो असं इंतजामिया भी इंशाल्लाह ताला तुहाडे नाल हर हरावत दस्ते के तौर पर तुहाडे नाल चलांगे इंशाल्लाह ताला। तो जिहड़ा कि उन्होंने दो तीन मसायल वो किए हैं वो इंतजामिया तो लगी हुई हुई है वो क्योंकि पुलिस का कोई नहीं, लेकिन असं रिटर्न रिटर्न चीज़ा लेके जिदे बिजली दी तारा मैं खुद विजिट कीती है, बिजली दी तारा नीचियां ने करता दा इंतजाम करने वाला है, तमिलाती काम हो रहे हैं, सीवरेज का काम होने वाला है, पीटी शेयर जगह जगह से गड़े खोते हुए हैं, उस मुतलका महकमे को दस दिता हुआ है। तो जे आने वाले दो चार दिन ने ये थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है कि हूँ तक वैसे मुकम्मल हो जाना चाहिए, लेकिन इन शाला तारा जे आने वाले चार पाँच दिन ने उन्होंने मजीद बेहतरी आ जाएगी और बाकी इंतजामिया के हवाले किसी किस्म की कोई तुम होकर कोई मसला किसी जगह से इतने ड्यूटी लाने वाली है कुछ हो सकता असं पॉइंट स्लिप कर जाइए तो तुम जरूर साढ़े डिस्कस करना असं ज्यादा थोड़े तो ना। बाकी मैंने बड़ी खुशी हुई कि गुजरात की जो इकदार है ना फालिया साढ़े चौथे बड़ा कशीदगी पाई जाती होर कई जगह से चंद में इतने मैंने बड़ी खुशी हुई है कि सारे चाहे कोई द्योबंदी है चाहे कोई सारे एक दूजे बड़ा और यही तो शायद पहले ही आपके गुरुदा थे आपके नाम को गर्मिदा कर लिया। रह गई बात ड्यूटियों की तो आज मेरी डीचर साहब से मुलाकात थी तो हमने डिसाइड किया है तो मलक बाबर साहब की ड्यूटी लगाई जाएगी और अमिताभ साहब की काजी साहब की और या जिसे आप नुमाइंदा मुकर करेंगे टी एम ए की होगी और बाकी महकमा की एक टीम बनाई है डी साहब उसमें एस एच ओ साहब भी शामिल है वो डी एस पी साहब का कह रहे हैं मैंने कह दिया आप एस एच ओ साहब को दे दें उसी उनसे कोऑर्डिनेट हम कर लेंगे छः तो ये सफाई सुथराई और ये बाकी जो मामला हैं वो इंशाल्लाह ताला असल साबित हम कोशिश करेंगे आपके मियाद को पूरे किस तरह करवाना है कैसे करना है वो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में सबका द्वार की तरह करेंगे। ये आपका ही इजाज़ है कि आज सारे ताजर सारे शहर के ताजर आपके प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं और आपसे गाड़ी या खेती कर रहे हैं। आप हमारे बड़े हैं जाफी साहब कमियाँ कोताही हर इंसान में है जहाँ से हम अपनी कमी देखें हमें आप डांट भी सकते हैं समझा भी सकते हैं गाइड भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आयाम जो है हम अपनी पूरी आफत बताएँगे और पूरी एक टीम बन के कि कितने ताजे बैठे हैं ये अपने अपने गुजारों के जिम्मेदारान हैं और इंशाल्लाह जल्द जो रूस के ताजर हैं आज जो नहीं आ सके दोस्त उनकी एक मीटिंग कॉल करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनको जिम्मेदारी जो दी जाए वो आसान तरीके से मैं करूँ। इसमें सबक जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा वो तो सालों से कर रहे हैं शिक्षक वीक साहब बिस्तर पे हैं लेकिन उन्होंने आज मुझे सब चीज़ें कहा है तो मेरी तरफ से भी जाती जाती साथ ये प्रोग्राम से आ इंशाल्लाह ताला इसके साबित हमारा तावन वैसे ही जारी और सारी रहेगा जैसे मैंने हम करते मेरी आज मैं शिक्षा ठीक साहब का भी ये पैगाम अक्सर बात कर रहा हूँ और बाकी हम सारे ताजा प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हमारी कोशिश होगी आपको हमारी तरफ से किसी किस्म का शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मैं अपने ताजे भाइयों से यह कहूँगा जो दुकानें बंद करने वाला मामला है हमारे बकरे के साथ के भी जिम्मेदार आए हुए हैं तकरीबन 10,000 की आबादी है वो हम इनसे अलहदा से डिस्कस करेंगे कि वो कैसे मैं आप आदमी साहब से और आपसे ये दर्ज करूँगा। मैं समझता हूँ औपचारिक जिम्मेदार आदमी है कि जो आपके रजाकार है वो कोशिश करें कि जो
तुर्की के दोस्त हैं या इर्द-गिर्द के जो दोस्त हैं हमारे ज़्यादा उनसे ले ठीक, ताकि उन्हें पता है बकर के साथ में कौन रहता है, बिलालगंज में कौन रहता है, बलाकाने वाले कर्म स्ट्रीट में कौन रहता है, ये मलक्का बाजार है उनके साथ जो आबादी है इन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना आए। अच्छा है मौली मुबारक साहब भी आ गए हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। तो ये है, मैं सिर्फ उनके ये छोटे छोटे तफसलात हैं। मैं काजी साहब आपसे, हम नौजवान हैं, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस चीज़ को देख लें कि वो लोग आए, बच्चे आए, वो जो एक दूसरे को जानते हैं, वो इधर ही मतलब हमारे भाई रहने वाले हैं, उन्हें पता है ये बच्चा, ये बच्चा ये कौन है, ये कौन है। तो आउटसाइडर जैसे बाजार साहब ने कहा, मैं उसकी कहीं कर सकता कि ये हमेशा किसी के अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो शरारत होती है वो आउटसाइडर की गलती है। बेटे चाहे पहले तो हमें आँखें भी खुली रखनी है और कान भी खुली रखनी है। तो बाकी जो ड्यूटी लगाएंगे जाके साहब, हम आप भाई हैं, ताजर बाद में या पहले भाई हैं आपके, जो आप और करेंगे जिस तरह कहेंगे, हर तरह की ड्यूटी हम 10 दिन आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला पहले भी आपकी ताबेदारी करते हैं, आइंदा भी कर देंगे। रोड कोई मेरे लायक मेरे से मुराद है, मेरे ये सारे भाइयों के लायक, मैं उसमें कोई शर्म नहीं है। ये जितना मैं हम इतने ही ये सारे हैं, उतने ही बड़ साहब आए हैं, उतने ही डार साहब आए हैं। मैं डार साहब को तकलीफ सुनी इसलिए दी है कि मुझे पता था ये आपके डार साहब हैं, जो चले जरा इनके होते हुए आपका लग रहा है तो वैसे ही बड़ा प्यारा है, और शुक्र जी। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा के लिए यहाँ अच्छे तरीके से हमारे लिए ये वैसे इज्जत वैसे फ़ख्र और एक मजहबी फरीजा भी हमारे पास फ़र्ज है कि हम इकट्ठे एक दूसरे के मामला को आगे लेकर चलें। तो जैसे मेरे से पहले भी दोस्तों ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला गुजरात के लोग, गुजरात के अफीसर, गुजरात के ताजर, गुजरात के उलमा, गुजरात की सिविल सोसाइटी, गुजरात के हर मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग दयानतदारी से चाहते हैं कि हम एक दूसरे का पालन करें और एक दूसरे को ज़्यादा इज्जत दें। और यही गुजरात की एक पंजाब में कह लें, पाकिस्तान में कह लें कि गुजरात इस मामले में एक मिसाली ज़िला है कि जहाँ बहुत इत्राम किया जाता है हर फिरके का, हर उलमा का। और यही गुजरात के तमाम ताजरों और अवाम और किसान तोलाबा के लिए वैसे इज्जत और वैसे फ़ख्र। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई इंतज़ामिया थोड़ी सी सुस्त रफी कर रही है या कोई हमारी सोच के मुताबिक नहीं कर रही, तो मैं हमारी यहाँ एक उनसे पुरजोर अपील है कि सबका जो वक्त गुजर गए हैं या सबका दौर गुजर गए हैं, मुहर्रम से 8 दिन पहले या 6 दिन पहले मकम्मल जो रोड होते थे, टेलीफोन के मामला होते थे, वाकया के होते थे, लाइट के होते थे, वो 100% तैयार हो जाते थे। तो हम यहाँ अगर हमें मौका मिला है तो हम यहाँ एक आवाज़ बुलंद करते हैं कि डीसी गुजरात साहब और डीपीओ गुजरात और सीओ गुजरात साहब और बाकी तमाम जो अमला है वो इस मजहबी फरीजे को, बाकी मामला को पीछे छोड़ दें। कहीं किसी गली की सफाई हुई है या नहीं हुई, किसी की रिपेयरिंग हुई है या नहीं हुई, या कोई मामला किसी का ज़ाती हैसियत में है, तो मैं समझता हूँ कि इसको तरजीह बुनियादों पर हमारी आले इख्तलार से या आले इंतज़ामिया से दर्दमंदाना अपील है
کہ وہ اس پر ترجیح بنیادوں پر جو مذہبی فرائض ہیں ان کو ادا کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ آواز جو ہمارے پروفیسر سرفراز صاحب کی سرپرستی میں جائے گی اور باقی تاجر کمیونٹی ان کے پیچھے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہوں گے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو مسائل یا جو مشکلات ابھی رہ گئی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایک دو دن میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں. باقی تاجر کمیونٹی اور ہم تو آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں, اور تاجروں کا فرض ہے, ہمارا ایک فریضہ ہے کہ جو بھی ہم ایک روٹی کا نوالہ اپنے جو ہمارے حضرت امام حسین اور امام حسن اور باقی جو وہاں کے شہدا ان کے سلسلے میں ایک گلاس پانی کا دے سکیں, ایک لقمہ روٹی کا دے سکیں, کسی کو رستہ دے سکیں اچھے طریقے سے, یا کسی کو اپنے اندر جگہ دے سکیں, تو یہ ہمارے لیے یقین جانے کو یہ کوئی ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے, یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا پنا حصہ ڈالیں. اور الحمدللہ یہ سلسلہ بھی ساری تاجر کمیونٹی بڑے اہتمام سے کرتی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوست, یہ آپ کی قیادت میں جو بھی روٹس ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہم تمام تاجر بھائی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم مین ڈیوٹی دے لوں, کچھ خادم صاحب دے لیں, کچھ ملک جوید صاحب دے لیں, کچھ شاکر صاحب دے لیں, کچھ گلزار صاحب دے لیں, کچھ ملک بابر صاحب دے لیں, ملک سر مسئلہ کہ ہمارا تو ادھر ایک ہی کام ہے کہ ہم وہاں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے معاملات اپنی رحمت کے سکتے ہی منزل مقصود پر پہنچا دیں. اس کے علاوہ ہمارا وہاں کوئی یہی کام ہے, جہاں وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو دعا ہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کارواں کو منزل مقصود تک پہنچا دیجیے, اور اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ آپ کی رحمتوں کے سائے میں آگے لے کر چلیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہاں اپنے اور ہمارے ایمان نے ہم پر فرض کیا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تاجر کمیونٹی یقین جانیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پوری کوشش کریں گے, دیانتداری کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ دوستوں کو محسوس بھی ہو, اور ہم اپنی اپنی جہاں ہماری ڈیوٹی ہے وہاں ضرور آپ کو محسوس بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ انجم صاحب کو بھی جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آسان طریقے سے نبھانے کی ہمت اور توفیق دے, اور ہمارے جو ذمہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں, گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ کام کرتی ہے, لیکن اگر کوئی مالی اخلاقی کوئی تاجر کسی بھی ہو تو ہم حاضر, کیونکہ آپ کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہے, پوری لفری کی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو یوم شہدا ہے اس کے سلسلے میں بھی ہم تمام بھائی شہدا کے لیے دعا سب اکٹھے مانگ لیں, تو آج چلو ان کو شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا مانگ لیں, آخر میں مانگ لیں, تو یہ بھی ایک ہمارا حصہ بھی ان میں کے ساتھ چلا جائے گا. جو استقبال محرم اور مدینے جو جلوسوں کے استقبال میں ہمارے ساتھ مزید تعاون کرتے ہیں, قدم با قدم چلتے ہیں, میں اپنی طرف سے اپنی پوری برادری کی طرف سے دل کے تاک رائیوں سے آپ تمام اشخاص کا دل کے تاک رائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا سارے اس چیز میں مننا دیا, اس تاریخ تو کار تو باہر نہیں, اور جو بھی ان شاء اللہ سارے ہو سکا اگے بھی کرنے ہیں, اور جی چیز گل کی واقعی پہلا دلدلا جس میں آنا رہا اس وقت کتنی کوئی دکان سے بند نہیں, اور یقین کرو کہ بعض دفعہ لوگ جلوس برج نام دیکھنے واسطے بڑی دوروں آتے سن, دکانوں سے آ کے کھڑے ہو جانا, اور اتنا پروسیس دینا کہ جی کو جو چیز ہے نا وہ اہل سادات والے انہوں پرووائڈ کرنی,
यानी कि जिदे स्लीप अपना तबीला भी लगाते सन लिहाजा भी देते सन और यकीन करो बढ़ के जिदे कोल तुहाडे सुलजनाल दे चलते सन उन्हां नाल भी उन्होंने भी खेतर महसूस करते सन। साड़ा कहने का मकसद कि जिथे भी ये इमामे आले मुकाम दिल च वसते ने असीं कुछ गाज़ी अब्बास की लड़ी चो और इंशाल्लाह फोन तक अपना देंगे और तुहाडी पूरी पूरी मदद करेंगे, क्यादत भी करेंगे और मामलत करेंगे और इंशाल्लाह इस बाजार में पूरी कोशिश ना जो जो थोड़ा सुलझना आता जाएगा उस तो पहला एक घंटा जनाब कहे तो अभी जनाब को शटडाउन करवा देंगे जवेद पाठ साहब के नाल उन्हां तो अलावा भी इंशाल्लाह तआला सरकार की ड्यूटी देनी है जनाबे हुसैन की ड्यूटी देनी इंशाल्लाह तआला जनाबे मोहतरम इंशाल्लाह तआला हर साल की तरह अगे भी तावन साडा तुहाडे नाल है ओ भी इंशाल्लाह तआला तुहाडे नाल तावन होवे हर तरह का हर तरह के नाल तुहाडे नाल ड्यूटी भी करा दे इंशाल्लाह तआला सुकून होना चाहिए हर उस बंदे उत्ते जिहड़ा बाजार दे विच या दुकान दे विच मशकूक नजर आवे सानू उहदी पड़ताल करनी चाहिए क्योंकि देखो असीं तुसीं ते सारे इक लेकिन खराबी जदों भी होंदी है ओह बाहर होंदी है तमाम शोहदाए तासीर पेश करते नौजवान ने साडे अमन साडे सुकून साडे चैन ते आराम की मेहनत की खातर और इस मुल्क की हाजत की खातर अपनी बेशुमार कीमती जाना का नजराना पेश किया तरफों और मैं अपने सारे भाई की तरफों खड़ा की तासीर पेश करना अल्लाह ताला उन्होंने आखिर के मुकाम बुलंद करे और अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फरदौस ज्यादा मुकाम दे भी होते जी लेकिन साडा फर्ज बनने से फिर भी रब की दुआ करी क्योंकि अल्लाह ताला कोई खिदमत हो मजबूरी है जी हालांकि मेरे वीरे मोहतरम ने पिछले साल भी ऑर्डर किया मेरे वीरे मोहतरम जी हाफिज मोहम्मद सिंह साहब मातुदा जितो जरूर सके रस्ते सबीला लो साडा आपस प्यार ते मुहब्बत बने असा एक दूजे की खातर जीना ते एक दूजे की खातर बनना असा आपस दे विच चुल्हा लड़ा के ते ना ते ना अपने मजहब में असा कोई तबाह नहीं लगन साडी ते मजबूरी है जनाब कि असी ते आ नहीं सकते लेकिन उहदे बावजूद असी अपने तुहाडी गल उस बाद असी अपने सादे लिबास च जनाब तुहाडियां खिदमात वास्ते हाजिर हाँ जितने ड्यूटी लो जो सिलसिला हो बाकी मेरे भाई इफ्तार शाकिर साहब तशरीफ फरमान ने इस इलाके इंचार्ज पसंद है और तशरीफ फरमान है मलक साहब बैठे हुए हैं मलक बाबर साहब सारे मेरे मोजेज भाई बैठे हैं ये सब बड़े जिम्मेदार लोग अच्छी तो असल गल है कि इस मुलाजमत रिटायरमेंट रिटायर हो गए तो साढ़े नौजवान अभी फौज जी है जी माशाल्लाह बड़ी मेहनती है बड़ी बड़ी और इंशाल्लाह बिल्कुल यकीन करो ऐसे सिर्फ कट्ठे हो जाने मिलन की दिल दहराइया भी शायद इतराज कर रहे हैं कि असी एक सां एक हां और एक रफ्तार ने पहचान वास्ते ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕੁੰਡੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ